से पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मैराथन चुनावी दौरे पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत आज अजमेर राजसमंद भीलवाड़ा दौरे पर। किशनगढ़ नाथद्वारा और मांडर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले आपको अपडेट हम बता रहे थे कि डायग्नोस्टिक सेंटर वो पहुंचे थे, हेल्थ चेकअप उन्होंने कराया, उसके बाद सीएमआर वो वापस लौट गए, लेकिन मैराथन दौरे का जिक्र मुख्यमंत्री के किया जा रहा है। कई जगहों पर मुख्यमंत्री के दौरे हैं। बेशक सीएमआर मुख्यमंत्री पहुंच गए, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी कुछ नहीं बताया गया है कि आगे जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आज के फिक्स है वहां वो जाएंगे या फिर नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम गहलोत आज अजमेर राजसमंद भीलवाड़ा दौरे पर। किशनगढ़ नाथद्वारा और मांडल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन फिलहाल आधिकारिक स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है कि तबीयत खराब की वजह से फिलहाल तो मुख्यमंत्री सीएमआर लौट गए थे चेकअप के बाद, लेकिन जो मैराथन चुनावी दौरे हैं वहां पर जा पाएंगे या नहीं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश जी, क्योंकि इससे पहले आप बता रहे थे मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज है इसलिए हेल्थ चेकअप के बाद वो सीएमआर लौट गए, लेकिन आपने ये भी कहा था कि अभी आधिकारिक स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा कि जो चुनावी दौरे मुख्यमंत्री के आज के फिक्स है वो जा पाएंगे या नहीं। कुछ और नई जानकारी मिल रही है क्या? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दौरों पे जा रहे हैं और अपने आवास से कुछ ही पल पहले रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट से वो फिर विदेश हेलीकॉप्टर है, उससे पहले किशनगढ़, फिर नाथद्वारा, फिर मांडल जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। पहले 10:30 बजे मुख्यमंत्री को जाना था, मुख्यमंत्री रवाना भी हो चुके थे, लेकिन चेकअप के बाद एयरपोर्ट जाने की बजाय वो अपने घर पे आ गए थे और वहां पे कुछ देर आराम करने के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने आगे कार्यक्रम फिलहाल आगे रखे हैं। तो कुछ देर में एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां से वो हेलीकॉप्टर से किशनगढ़ जाएंगे, फिर नाथद्वारा और मांडल जाने का उनका कार्यक्रम है। तो देखिए, हालांकि जिस तरह से पिछले 2 दिन से मुख्यमंत्री के दौरे रहे थे और आपने देखा होगा कि कई बार तबीयत नासाज होने के बावजूद मुख्यमंत्री इस तरह के दौरे करते हैं, कमिटमेंट का मामला है, चुनाव का मामला है। बिल्कुल। तो आज भी जो पहले रूटीन चेकअप के लिए अचानक वो पहुंचे थे डायग्नोस्टिक सेंटर, वहां से फिर आवास पे आए थे, क्योंकि आधिकारिक रूप से उनके दौरे को लेके जो बदलाव था उसमें कोई बयान नहीं आया था। तो कयास यही थे कि क्या इन कार्यक्रमों में देरी होगी या दौरा छोटा हो सकता है या कहीं कुछ और बदलाव हो सकता है, लेकिन एक इंतजार के बाद में और थोड़ी देरी से ही जो है ये कार्यक्रम अब आगे बढ़ रहा है। तो कुछ देर में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वो किशनगढ़ के लिए रवाना होंगे, जहां पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। नामांकन रैली विकास चौधरी की है, उसको संबोधित करेंगे। बिल्कुल नरेश जी, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहां पर लोगों से कुछ बातचीत भी चल रही है। ये खबर अपडेट कर देते हैं अपने दर्शकों को कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट, और यहां से रवानगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। नरेश जी, अपनी बात पूरी करिएगा। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो आवास से रवाना हुए थे, तो उनके कार्यक्रम में देरी जरूर हुई है, लेकिन अब आगे के कार्यक्रम जो उन्होंने पहले से निर्धारित थे उसके अनुसार वो आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री किशनगढ़ जाएंगे, जहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी विकास चौधरी के समर्थन में रैली करेंगे, उनके नामांकन रैली है। जैसा मैंने पहले भी जेपी बताया था कि विकास चौधरी जो कि भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं, टिकट उनको नहीं मिली थी भाजपा से, तो ऐसे में बागी होकर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और कांग्रेस को भी एक जो जाट चेहरे की जरूरत थी, वहां पे युवा चेहरे की जरूरत थी जिसको टिकट देकर चुनावी समर में कूदा जा सके। तो चूंकि भाजपा ने वहाँ काफी ताकतवर उम्मीदवार उतारा है और निर्दलीय सुरेश टाक है वो मैदान में है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पिछले दिनों जब ये मिले थे विकास चौधरी, तो आपको ध्यान होगा प्रियंका गांधी की जो सभा हुई थी झुंझुनू में, वहाँ पे वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। जी।
इसके बाद उनका सूची में नाम आया, उनको टिकट दिया गया है। अब वो आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो उनकी जो चुनावी सभा है, नामांकन सभा है, उसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे जी। इसके बाद मुख्यमंत्री का नाथद्वारा जाने का कार्यक्रम है, जहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनकी नामांकन जो रैली है, पैदल रैली, वो नाथद्वारा में चल रही है। और नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को भी संबोधित करेंगे जी। तो आज के जो तीन जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, उन कार्यक्रमों की कड़ी में, क्योंकि फिर मुख्यमंत्री खुद भी जोधपुर जाएंगे, कल उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है जी। आज पहले भी उन्होंने कल जो कार्यक्रम किए थे, उसके बाद देर रात तक कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। ठीक है।